हरे कृष्ण। तो हम एक पुस्तक बुक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है मायापुर इज माय प्लेस ऑफ वर्शिप। मायापुर इज माय प्लेस ऑफ वर्शिप, ये प्रभुपाद के एक स्टेटमेंट में इस तरह प्रभुपाद ने कहा है कि मायापुर इज माय प्लेस ऑफ वर्शिप। पुस्तक का नाम है, ये TOVP ऑफिस जो कि श्रीधाम मायापुर है उसके द्वारा ये बुक पुस्तक प्रिंट की गई, उसका सॉफ्ट कॉपी है जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस एस सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इन टू हिज फॉलोअर्स वो आर ऑल टूगेदर फुलफिलिंग हिज विजन ऑफ द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। वैदिक प्लेनेटेरियम TOVP ऑफिस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 1971 कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद एक छोटी सी मीटिंग में कुछ भक्तों के ग्रुप में TOVP टेम्पल के बारे में इस तरह एक विजन देते हैं, बता रहे हैं नाउ यू ऑल टूगेदर मेक दिस वैदिक प्लेनेटेरियम वेरी नाइस सो दैट पीपल विल कम एंड सी। तो प्रभुपाद 1971 में ही इस तरह एक विजन दे दिया था एक शिष्यों को कि ये TOVP इस तरह मंदिर बनाने के लिए। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द श्रीमद भागवत यू प्रिपेयर दिस वैदिक प्लेनेटेरियम माई आइडिया इज टू अट्रैक्ट पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड टू माया। प्रभुपाद चाहते हैं दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग मायापुर आए, मायापुर में आए विजिट करें, अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह कुछ होना चाहिए वहां पे जो सबको अट्रैक्ट करें, तो वो है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम 1971 में। तो इसी मीटिंग में अम्बरीश प्रभु भी थे जो हेनरी फोर्ड के पोते अम्बरीश प्रभु, और वो आज इस तरह प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो इसका कुछ है इंट्रोडक्शन नवदीप धाम महात्म लीलामृत श्रील प्रभुपाद लीलामृत है लेट देयर बी ए टेम्पल चैतन्य चरितामृत के कुछ परपोड़ है द ग्लोरीज एंड पास्ट टाइम ऑफ श्रीमती राधा रानी। थ्रू द एजेस पायस पीपल स्पेशली होली मैन सेज एंड योगीज हैव सॉट टू टेक शेल्टर ऑफ सेक्रेट प्लेसेस फॉर सेल्फ वेरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। देर आर सेवन मेजर होली प्लेसेस इनंशिएटेड इन द शास्त्रास। तो हमेशा इस तरह हर युग में जो साधु लोग हैं वो इस तरह तीर्थ के पास जाते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए। इस तरह सात पुरी है जो बहुत फेमस है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। लेकिन कलयुग में इन सभी तीर्थों जितने भी तीर्थ हैं उनकी उनका जो शुद्ध करने का जो स्थिति है वो भी कम हो जाता है, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं कलयुग के डिग्रेडेशन के कारण। कलेर दोष निधे राज, तो इस तरह दोष हर जगह है, वो तीर्थों में भी वो थोड़ा दोष पहुंच जाता है क्योंकि तो लोग अपने पाप तीर्थ में जाके छोड़ के आते हैं, तो तीर्थ भी कुछ कुछ हद तक उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सभी के ऊपर एक विशेष कृपा करके जो नवदीप धाम है ये एक सारे तीर्थों का भी एक शीर्ष तीर्थ है इस तरह ऊपर क्या है, और इस तीर्थ में इस तरह नवदीप धाम में आने से बाकी सारे तीर्थों में भ्रमण करने का लाभ मिल जाएगा केवल नवदीप धाम में। और नवदीप धाम में बाकी सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थ जितने भी है सब नवदीप धाम में है। और बट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर बेनिफिट कन्वर्टिंग कृष्णा प्रेम सेल्फ द फाइनल गोल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल। बाकी तीर्थ में जाने से थोड़ा पुण्य मिलेगा, पाप से व्यक्ति शुद्ध होगा, लेकिन यहाँ नवदीप धाम में व्यक्ति को जो कृष्ण प्रेम मिलेगा फाइनल गोल ऑफ स्पिरिचुअल एंडेवर। तो सात पुरिया है इस तरह अयोध्या मथुरा गया काशी कांची अवंती द्वारका, और उसमें श्री मायापुर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज।
लेकिन मायापुर सबसे महत्वपूर्ण इस तरह तीर्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और अपने साथ श्वेत द्वीप सब धाम सब कुछ लेके आए। आफ्टर 4 सेंचुरीज आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ श्रीमद् महाप्रभु दिस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज श्वेत द्वीप विल बी सुपीरियर टू ऑल अदर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द होल वर्ल्ड। ये जो स्थान है दुनिया के सारे तीर्थों से सबसे श्रेष्ठ है। लिविंग इन दिस प्लेस रिमूव्स ऑल सिंस एंड ऑफेंसेस एंड हेल्प्स प्योर डिवोशन टू ग्रो। इस स्थान में रहने से सारे पाप और अपराध से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्ति मिलती है। विजय धर्म में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह बताते हैं। एज द सेनापति कमांडर इन चीफ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवान स्वामी प्रभुपाद नोइंग द पावर ऑफ श्री नवदीप धाम एंड द प्रोफेसेस द डिजायर एंड प्रीवियस आचार्य इनविजन अ ग्रेट सिटी इन माया दैट वुड अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू विजिट। प्रभुपाद का इस तरह दूर दृष्टि थी कि मायापुर को एक ऐसा स्थान बनाए जहाँ पर दूर दूर से लोग आए और इसको एक दिव्य शहर बनाए, दिव्य सिटी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर हो, टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटेरियम, एक अद्वितीय मंदिर जहाँ पर जो जिसके माध्यम से चेतन महाप्रभु का शिक्षा और उनकी जो परंपरा है पूरे विश्व में फैलेगी। और जो लोग भौतिकतावादियों में डूबे हैं, जो नास्तिकता में, जो कलयुग में जो भौतिकतावादी और जो नास्तिकता का जो फैलावा है वो चेतन महाप्रभु की शिक्षा से दूर होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 भविष्यवाणियां इस तरह करी उस समय में जब भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिश समय में वो जज थे, मायापुर में वो रहते थे उस समय। तो उन्होंने कुछ भविष्यवाणी उसी समय कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि एक एक महापुरुष जन जल्दी ही आएंगे और वो महापुरुष सारी पृथ्वी में ही विल ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी विश्व में भ्रमण करेंगे चेतन महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करने के लिए। तो महापुरुष श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने चेतन महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार किया और 10 साल में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। दूसरा उनकी भविष्यवाणी थी बहुत जल्दी ही हरिनाम संकीर्तन पूरी दुनिया में फैल जाएगा और जल्दी ही अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया हर जगह से लोग आएंगे, करताल लेंगे मृदंग के साथ में, हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। इस तरह अलग अलग कस्बों में तो आज हम देख रहे हैं हर जगह इस तरह अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना हर जगह कीर्तन हो रहा है। तीसरा प्रेडिक्शन उन्होंने कहा कि कब वो समय, जल्दी ही समय आएगा वो जब इस तरह गोरी चमड़ी वाले विदेशी लोग मायापुर धाम में आएंगे और बंगाली वैष्णव के साथ वो मिलेंगे और एक साथ वो जय सचिनंदन इस तरह वो गाएंगे। वेन विल दैट डे कम, तो इस तरह दिन जल्दी ही आएगा और अभी वो दिन आ गया है। तो एक शाम को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर में, उनका जो घर था गोद्रिम द्वीप में सुरभि कुंज में, वहाँ पर उनका घर था ब्रिटिश समय में, और वो जज थे और ब्रिटिश ने उनके घर तक रेलवे लाइन बिछा के रखी थी। वो घर से रेल में बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे सीधे ऑफिस, ऑफिस से ट्रेन में बैठते थे सीधे घर। और तो उनका घर गोद्रिम द्वीप में है सुरभि कुंज में और बीच में एक नदी है और उस पार मायापुर है। तो खिड़की में बैठ के वो जालंगी नदी की इस तरह देख रहे थे। तो वहां से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये मायापुर शहर है। मायापुर उस समय तो वहां पे मायापुर में कुछ नहीं था, कोई डेवलपमेंट है, लेकिन उन्होंने वहां पे देखा कि वहां से दिव्य प्रकाश आ रहा है, हर जगह वो दिव्य प्रकाश फैला है मायापुर में। वहां पे उनको एक दिव्य प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, गोल्डन सिटी नजर आ रही थी,
स्पिरिचुअल सिटी, और इस तरह, और वो मंदिर भी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, वो मंदिर उनको दिख रहा था, वहां भक्त दिख रहे थे, कीर्तन होता हुआ दिख रहा था, और रवींद्रनाथ ठाकुर उस तरह खिड़की से देख रहे थे। और उस समय चिलक भक्ति सिद्धांत सरस्वती राव, वो भी बहुत छोटे थे, और उन्होंने उनको बोला कि, अपने नौकर से पूछा कि मैं इतना देख पा रहा हूँ, क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? तो नौकर बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर उन्होंने अपने छोटे पुत्र कृष्ण भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, छोटे थे, उनसे पूछा कि क्या तुम्हें दिख रहा है? तो बोलते हाँ। तब पिताजी, मुझे भी दिख रहा है। कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी वो मायापुर का एक दृश्य देखा। तो ये पब्लिकेशन जो पीडीएफ है, इसमें नवदीप धाम का इस तरह कुछ महत्व है मायापुर, और इस तरह इसके थोड़ी हिस्ट्री भी है मायापुर चंद्रोदय मंदिर की, किस तरह मंदिर आया, इसका जमीन हुआ, और प्रभुपाद की कुछ स्पेसिफिक, उनका जो दूरदृष्टिता थी, कुछ आदेश है इस्कॉन के बारे में, और मायापुर के बारे में। तो प्रभुपाद ने इस तरह बताया था कि बॉम्बे इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई होम, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप, बॉम्बे इज माई ऑफिस। तो बॉम्बे से सारे लीगल काम बॉम्बे से होते हैं। वृंदावन इज माई होम, लोग वृंदावन में रहते थे, बट मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। फ्रॉम विच द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन इज डेरा, दिस पीडीएफ का नाम है मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप, बॉम्बे इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई होम, एंड बॉम्बे इज माई, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। वी होप दैट दिस बुक इंस्पायर डिवोटीज टू फॉलो फर्दर इन द फुटस्टेप्स ऑफ आवर प्रीवियस आचार्य, स्पेसिफिकली श्रील प्रभुपाद्स मोड एंड डिजायर। इट इज अवर सेक्रेट ड्यूटी टू सर्व हिज मिशन एंड ब्रिंग द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महा टू ऑल द सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड द टीओवीपी इज एन इंट्रेंसिक एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ दैट। In the process, we will ourselves also dive into the ocean of Krishna Prem and drink deep the ambrosial nectar thereof, awakening to our eternal service to Radha and Krishna, the TOVP theme. यहाँ पे कुछ नवदीप ब्रह्म महात्म्य से भी है, नित्यानंद प्रभु रिविलिंग द अद्भुत मंदिर टू श्रील जीव गोस्वामी। तो नवदीप धाम महात्म्य में ये नित्य जीव गोस्वामी एक बार मायापुर आए थे, और नित्यानंद प्रभु उस समय वहां पर थे, तो महाप्रभा प्रकट हो गए थे। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पूरा नवदीप धाम का इस तरह परिक्रमा करके वहां की महिमा बताई। नित्यानंद प्रभु रिविलिंग द अद्भुत मंदिर टू श्री जीव गोस्वामी, ये जो टीओवीपी मंदिर है, अद्भुत मंदिर के बारे में श्री भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने इस मंदिर को देखा था अपने घर की खिड़की से, और श्रीला नित्यानंद प्रभु ने भी इस मंदिर के बारे में जीव गोस्वामी को बताया था। ये इस पुस्तक में आता है, नवदीप धाम महात्म्य में ये सब आता है। तो ये मायापुर है, मायापुर इस प्रकार के अलग अलग नदियों से, इसको नवद्वीप बोलते हैं, नौ द्वीपों से मिलकर एक आइसलैंड बना हुआ है, अलग अलग इस तरह बहुत सारी नदियां थी पहले समय, लगभग 16 नदी, कुछ कुछ नदी अभी अदृश्य हो गई है, और वो नदियां इसको 9 अलग अलग आइसलैंड में विभाजित करती थी। अभी भी कुछ आइसलैंड है, कहीं कहीं रोड बन रहे हैं, तो इनके अलग अलग नाम है। सीमंत द्वीप एक है, गोद्रुम द्वीप है, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, रिक्त द्वीप, जाह्नू द्वीप, मध्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, और सबके बीच में है अंतर द्वीप, और अंतर द्वीप में मायापुर है, मायापुर में योग पीठ है, चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान, वो सबके केंद्र में है। सिलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम नवदीप धाम महात्म्य।